अंपायर्स दोनों बात करते हुए, क्या गेम गेम आगे चला पाए। वेलकम बैक अनदर गेम प्ले वीडियो दोस्तों, मैं हूं आपका निखिल, आप लोग देख रहे हो आई एम निकी यूट्यूब चैनल। आप सभी को एक और नया वीडियो में स्वागत। आज हम लोग फिर से खेलने वाले NPL 2024। चलिए सुपर सब, आज किस किस को, मयंक अग्रवाल, यशनदीन कौल, सेनापति और के पी कोपरा, मुंबई के साथ मैच होने वाला है अपना। चलिए प्रैक्टिस सेशन। ओ देखो बॉलिंग स्पिनर कौन है ब्रो, सब बॉलिंग और वार्म अप कर रहे हैं। कोहली भैया फील्डिंग, ये देखो आज दो सिर्फ दो ही है, क्या बोलते हैं इनको, एक्सपर्ट्स दो ही है। टॉस टाइम हेड चुना हूँ अपन। देखो पिछली बार अपना बैटिंग भी अच्छा हुआ था, बॉलिंग भी अच्छा हुआ था पिछले मैच में। अब पहला बैटिंग लूँगा मैं, टॉस जीत लिया बैटिंग ले लिया। चलिए अपना ये प्लेइंग एलेवन, कैप्टन पैप, सहवाग, लाल, वर्द, देखो मिचेल स्टार्क है, पूरा मुंबई को कहा जाएगा। रोहित शर्मा ही है इधर कैप्टन मुंबई वालों। देखो MIK पैंस और रोहित शर्मा जी का पैंस, पटापट वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स में बता दो आपका फेवरेट कैप्टन कौन है, मतलब हार्दिक पांड्या या रोहित शर्मा। MIK पैंस को बोल रहा हूँ मैं, रोहित शर्मा का पैंस तो अपना शर्मा जी को ही अपना फेवरेट बोलते हैं। चले बेंगलोर ब्लास्टर्स, अपना पोस्टर आ गया, अपना दोनों बैट्समैन्स भी आ गया। देखो पैप पॉइंट कोहली भैया सीधा ही जा रहे हो, थोड़ा इधर उधर देख के जाओ। चलिए एक दोनों का कोई अच्छा शुरुआत हुआ नहीं, दर्शन नीलकंडे को और दिया है। यू लड़ाई NPL 2024 लेट्स प्ले बोल दिया। चलिए ड्रोन ख़त्म हो गया, दर्शन नीलकंडे दो मैचेस में दो विकेट्स ब्रो, एक एवरेज भी इतना, हाँ पाँच गेंदों में, मतलब हर पांच गेंदों में विकेट मिलता है, अरे इस बार तो पहली बॉल में चार रन मिल गया। चलिए अच्छा शुरुआत हुआ है स्पिनर को, अरे वाइड नहीं रे, क्लियरली मिस है, सर के ऊपर से गया गेंद, वन मोर इस बार, ओ भैया गुड है, लेकिन उधर फील्डर आए लेकिन कोई फायदा नहीं, चार रन मिलेगा। हबीबे कम टू बाउंड्री ऐसा बोल रहा है बॉल को, वन मोर ब्रो सिक्स, इस बार तो सिक्स लगाया ब्रो कोहली भैया ने, एक लाइक तो बनता है दोस्तों, 105 मीटर का सिक्स है, एक लाइक कर दो पटापट इनके नाम से ब्रो, क्लीन बोल्ड ब्रो, हट हग दिया रे, अच्छा खेल रहे थे हग दिया। देखो अब KL राहुल को भेज देता हूँ, चलिए KL राहुल, राहुल भैया विकेट नहीं ब्रो, विकेट नहीं होना चाहिए, हाँ अच्छा हुआ उधर फील्डर था लेकिन थोड़ा उसके पीछे गिर गया, ओवर हो चुका है ख़त्म। चले अगले ओवर में कौन आएगा, कॉटरेल, ये ब्रो ये वेस्ट इंडीज़ का बॉलर, ये जो विकेट मिलने के बाद वो क्या बोलते हो परेड करके सैल्यूट मारता है ना, वो बॉलर है ये। पहली बॉल डॉट से शुरुआत हो चुका है अपना पैप का, पैप जी थोड़ा, चलिए सिंगल निकाल के KL राहुल को स्ट्राइक दे देते हैं क्योंकि वो बंदा अभी फॉर्म में है, उसको ही स्ट्राइक मिलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्ले में जितना होता है उतना रन निकालूंगा, विकेट गिरने दे कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन रन्स तो ज़्यादा निकालूंगा पावर प्ले में। वन मोर टू लेट है, ओ भाई उड़ता हुआ फील्डर, मतलब गजब का कैच पकड़ लिया भैया ने, कौन है वो देखना पड़ेगा, कौन पकड़ा रे, ओ नीलकंडे अभी ओवर करके गया और उधर कैच पकड़ लिया। अब बेबी एबीडी को भेज दिया हूँ, बेबी एबीडी देखो तो प्रेजेंट इनकी टीम में है लेकिन अपन ने उनको खरीद लिया है, मतलब ऑक्शन में अपन ने उनको छोड़ा नहीं, अति मिस कर दिया, अगर लग जाता तो सिक्स हो जाता लेकिन मिस हो गया। चलिए वन मोर शॉट, बाहर जाती हुई गेंद लेकिन मिलेगा चार रन, उधर कोई फील्डर नहीं था इसलिए चार रन मिल गया। चलिए चार रन के साथ खाता ओपन कर रहा है ब्रो, अच्छा हुआ रे मिस हुआ नहीं तो आउट हो जाता था। चलिए काम्बोजी करके कोई बॉलर आया है, इसका नाम ये रियल में कौन बनता है रे मालूम ही नहीं है, पहली बॉल एरकर है ब्रो, अच्छा हुआ उठा के फेंक दिया, अगर नहीं होता तो आउट ही हो जाता था लेकिन ये क्या चार मिल गया, अरे ब्रो अर्ली खेला था चार मिल गया पटापट। चले इनटू द गैप मिल गया था, इस बार भी मिलेगा, ओ नहीं वही अगर एरकर पे गिरा होता तो आउट ही हो जाता था मैं, वो अच्छा हुआ आउटसाइड स्टंप था, ओ भाई लेट नहीं गुड है, चार रन मिलेगा बैक टू बैक चार रन।
चलिए आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो, विकेट ले लो। पैप भैया का भी विकेट गिर गया, अब उत्तप्पा जी को भेज दिया हूँ। उत्तप्पा जी देखो पिछली मैच में ना बहुत अच्छा खेला है बैटिंग, इस बार भी पिछली बार भी मैक्सी ने खेला था बैटिंग अच्छा। उत्तप्पा जी नहीं, अर्ली ब्रो लगा था कैच हो जाएगा लेकिन बच गया, उधर फील्डर नहीं था, इनटू द गैप में गया था फील्डर था लेकिन उनके गैप में बीच में से 4 रन मिल गया। चलिए विकेट गिरने के बाद 4 रन देखो, तीसरा ओवर खत्म होती और भाई सिक्स, उत्तप्पा जी सिक्स मारा है पहला सिक्स। इधर तो उत्तप्पा लगा रहा है अपना रॉबिन उत्तप्पा। चलिए कौन है मेरेडिथ, आर मेरेडिथ को ओवर दे चुका है इन्होंने। अब डेविड ब्रेविज ऑन द स्ट्राइक, क्या लगेगा पहली बॉल सिक्स, नए ब्रो लेट है क्या आउट। हाउ ब्रे ब्रो फील्डर्स क्या, अरे इतना कैसा फील्डिंग कर रहे हो आप, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है ब्रो। अब चलिए सिवाकर शर्मा को भेज दिया हूँ, सेवालिक शर्मा को भेज दिया हूँ इनको अभी थोड़ा। ओह 4 मिलेगा ब्रो, 4 मिलेगा, उधर कोई फील्डर नहीं था इसलिए उधर शॉट मारा, 4 रन निकाल दिया। मुझे लगा था ओह मिस ब्रो, मैं बहुत रन मारूंगा पावर प्ले में, एक 100-150 रन बनाऊंगा ऐसा सोचा था, लेकिन इधर तो नहीं हो रहा है ब्रो, क्योंकि डिफ़िकल्टी ना पूरा हाई है, एक्सपर्ट में रखा है मैंने, हार्ड मूड है थोड़ा, ऐसा तो होना ही है। ओ चलिए डिपेंड करते हुए 2 गेंद 2 डॉट्स, क्या 1 मोर डॉट्स मिलेगा, 4 रन मिलेगा। ओ भैया आउट भी हो जाता था अगर फील्डर ने थोड़ा कोशिश किया होता ना, आउट हो जाता था, लेकिन फील्डर ने 2 रन बचा लिया उनका टीम के लिए। चलिए दो दो भागा स्ट्राइक अपने पास है, अगले ओवर में उत्तप्पा को स्ट्राइक मिलेगा, अरे शॉट कनेक्ट हुआ नहीं, अच्छा हुआ नो मैंस लैंड पे गिरा इसलिए 4 रन मिल गया, नहीं तो आउट हो जाता था। चलिए अब फिर वही कॉम्बो जी करके कोई आया है, इसका नाम क्या, अरे रियल में मतलब मालूम नहीं मैं रियल लाइफ में इसका नाम क्या है, आपको पता है तो बता दो मुझे। चलिए इस बार भी 4 मिलेगा क्या, अरे बिल्डर आ गया, अरे बीच में 2 रन मिलेगा रॉबिन उत्तप्पा जी बैक टू। चलिए स्ट्राइक रोटेट करते हुए अपना देखो, 4 5वां ओवर शुरू हो चुका है लेकिन अभी 53 पे अपन, अरे ब्रो यार्कर अच्छा हुआ, अरे अरे भाग 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 बच गया, रनआउट का भी चांस था क्योंकि 2 अर्ली खेला था, उधर ही फील्डर के हाथ में ही गया था बॉल, फिर भी भाग लिया मैंने अच्छा कोशिश करके। 1 मोर सिक्स नहीं ब्रो आ गया कि मतलब मारने का ट्राई किया तो इन स्विंग वो के अंदर आके ना बोल्ड ही कर दिया ब्रो, यल लगा लिया अपने को। चले मैक्सी ऑन द ग्राउंड, मिडल ऑफ द ग्राउंड, अभी लगाएंगे बैक टू बैक सिक्सेस और करेंगे। ओ भैया आते ही सिक्स ब्रो, हैप्पी इन द चार्ट, नहीं ब्रो ओपी इन द चार्ट बोले तो मैक्सवेल, क्योंकि मैक्सी ने पिछली बार आया था 6 4 6 मार के मैच को ख़त्म किया था, इस मैच में पहली बॉल में ही 6 और दूसरी बॉल में ही 4 रन मिलेगा उसको। नहीं रे फील्डर आ गया बीच में, सॉरी 2 रन तो मिल सकता है, 4 नहीं मिला तो क्या। चलिए बैक 2 रन, स्ट्राइक रोटेट होते हुए दोनों एक एंड्स पे हिटर है, एक एंड्स पे एक्सपीरियंस बैट्समैन है, इस बार भी 4 मिलेगा क्या, अरे पक्का मिलेगा क्योंकि फील्डर थोड़ा दूर था, आने में देरी हो गया। चलिए मेरेडिथ को ओवर दे चुका है, पावर प्ले का लास्ट ओवर है, इसमें कितना विकेट गिरता है कितना रन आता है वो तो देखना पड़ेगा। मैक्सी नहीं रॉबिन उत्तप्पा जी, अच्छा हुआ फील्डर के हाथ में नहीं गई, 4 बाउंड्री के पार गई है, अगर हाथ में गई होती ना यल लगा लिया होता अपना। चलिए 1 मोर शॉट उधर ही, अभी देखो उधर फील्डर था उसको हटाया और उधर ही में शॉट मार के 4 रन कमाया, मतलब आपका गलती है मेरा कोई गलती नहीं, क्योंकि आप उधर फील्डर रखते नहीं हो। अरे ब्रो स्टेपोटो के स्टेट मारने का ट्राई था लेकिन कनेक्ट हुआ नहीं, 2 रन मिल गया। चलिए 3 गेंदों में 10 रन, अभी 3 रन बाकी है वो पावर प्ले में, 76 रन आ चुके हैं। शो इसको स्कूप शॉट मारने का ट्राई किया था मतलब सूर्य कुमार जैसा, लेकिन लगा नहीं, वो शॉट मारेंगे अपन एक ना एक दिन मारेंगे ब्रो सिक्स, ऐसा शॉट मारते हैं क्या कोई, आप मारते हो तो मुझे बता दो, कमेंट में कर दो, कमेंट में आप भी बता दो अपना, मैं भी देखूंगा ब्रो। सिक्स नहीं मिलेगा तो 4 मिलेगा ना, मतलब देखो एक सिक्स एक बाउंड्री, मतलब बाउंड्री के साथ ओवर हो चुका है ख़त्म, 86 पे पहुंच चुके हैं अपन पावर प्ले में,
चलिए पावर प्ले खत्म हो चुका है, फील्डिंग इधर उधर हो गया, लेकिन ओ भैया ये कैसा कैच पकड़ लिया रे इसने, कौन है ये? अरे तिलक वर्मा है ब्रो, तिलक वर्मा वन ऑफ द बेस्ट फील्डर होगा अपना, वन ऑफ द बेस्ट नहीं, फील्डरों में बेस्ट है फील्डर हो मतलब। अरे इस बार तो क्लीन बोल्ड कर दिया करण शर्मा का, हट लगा ये लगा लिया अपना। चलिए वाशिंगटन सुंदर को भेज दिया हूँ, अभी देखो दर्शन नीलकंठ हैट्रिक पे है, इनको भी हैट्रिक मिले तो अरे स्टम्प टू स्टम्प करने का था आपको, हैट्रिक मिल जाता था। चलिए ब्रो शॉट स्ट्रेट शॉट मारा था लेकिन कनेक्ट हुआ नहीं, सिंगल मिल गया। रॉबिन उत्तपा ऑन द स्ट्राइक 33 पे पहुंच गया है वो, सिक्स मिलेगा क्या रे? नहीं मिलेगा, टू अर्ली, लेकिन एक रन मिलेगा पक्का, एक रन ले लूँगा क्योंकि अभी एक गेंद बचा है उसको वाशिंगटन सुंदर को खेलने देते हैं। वो शॉट मारेगा या नहीं मारेगा उसको पता नहीं रे, मिस हुआ, डिफेंस करने को गया लेकिन मिस हुआ। अभी देखो क्वार्टरल आ चुका है बॉलिंग करने के लिए, क्वार्टरल को अब दूंगे अपन शॉर्टरल करके। चलिए वन मोर सिक्स, नहीं ब्रो मिस हुआ, अर्ली खेला था इसलिए मिस हुआ, क्लियरली मिस हुआ। चलिए बैक टू बैक मिस होते हुए, अब बैटर के ऊपर प्रेशर है, देखो अगर फील्डिंग सही होता ना आउट भी कैच आउट भी हो सकता था, लेकिन वो उनका गलती क्योंकि मेरा नहीं, सिंगल निकाल के दे देता हूँ अब रॉबिन उत्तपा को, आपको फिर बाद में बताता हूँ मैं। अभी देखो डॉट्स के बैक टू बैक डॉट्स खेलोगे ना तो प्रेशर आ जाएगा, अपने आप प्रेशर आप पे आ जाएगा, इसलिए आप शॉट मारने का देखोगे फिर आउट हो जाओगे, यही तो बात है ना। चलिए अब रॉबिन उत्तपा ऑन द स्ट्राइक, पुल शॉट मारने का ट्राई, चार रन मिलेगा, फील्डर डाइव मारा लेकिन कोई फायदा नहीं, चार रन मिल गया। चलिए भी दो गेंद है, दो गेंदों में दो सिक्स, और ब्रो सिक्स जैसा बोला वैसा आ गया सिक्स, लो भैया मार देता हूँ ऐसा बोल के 89 मीटर का सिक्स मारा है रॉबिन उत्तपा जी ने। चले वन मोर सिक्स आएगा तो मज़े आ जाएगा, देखो एक 100 पे पहुँच गया अपन, ओ परफेक्ट था लेकिन लग जाता तो सिक्स ही हो जाता था, ओवर हो चुका है ख़त्म। जसप्रीत बुमराह, अब देखो जैसा जसप्रीत बुमराह को दिया स्ट्रैटेजिक टाइम आउट भी ले लिया, अब क्या प्लान करते मुझे मालूम ही नहीं, थोड़ा देर रुक जाते हैं अपन। 2 hours later चलिए हो चुका है ख़त्म टाइम और, अभी बुमराह जी बैक इन द स्ट्राइक, वाशिंगटन सुंदर ऑन द स्ट्राइक, क्या पहली बॉल सिंगल निकल के दे दिया रॉबिन उत्तपा को, क्या रॉबिन उत्तपा को उत्तपा जी को बुमराह जी ने उड़ाएंगे। चलिए स्ट्रेट डालते हुए पहली बॉल, अरे ब्रो चलिए चार रन मिल गया, पहली बॉल को बुमराह को अटैक किया रॉबिन उत्तपा जी ने, मतलब पहली बॉल बोले तो रॉबिन उत्तपा को बुमराह की पहली बॉल, और दूसरी बॉल पे सिक्स ब्रो, मतलब गजब का बैटिंग हो रहा है अपना। देखो आप लोग बोल रहे हो कि अरे तू सिक्स चौका है ही मारते जा रहे, 50 भी बन गया ब्रो, कितना 18 गेंदों में 55 रन्स, मतलब गजब का बैटिंग हुआ है, डग आउट भी फुल स्टैंडिंग ओशन दे रहे, अरे उठना भाई तू क्या कर रहा है बैठ के इधर करके। देखो आप लोग बोलते हो कि 26 छक्का यही मारते हैं और कैच आउट हो गया ब्रो, हट मेरे को तो बोलने नहीं दे रही है, अब मैं बता देता हूँ आपको, 26 और छक्का ही मारता रहता है सिर्फ सिंगल्स में नहीं क्यों खेलता, क्योंकि भाई लोग सिंगल्स में भी खेल सकता हूँ, अगर सिंगल्स में खेलना पड़ेगा ना तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं सिक्स मार के ऐसा खेल रहा हूँ। इधर कोई इजी गेम नहीं है क्योंकि डिफ़िकल्टी मैंने हाई रखा है, इसमें सिक्स मारूंगा तो मेरा स्किल ये हो जाएगा, आपका नहीं गेम का रन आउट भी हो सकता था लेकिन बच गया, रॉबिन उत्तपा जी आउट हो गए, हक दिया मैंने। चलिए कौन है ये ब्रो? चेतन सकरिया, मतलब इनके स्पिनर नहीं है क्या ब्रो, सिर्फ पास्टरों को ही लेके आ रहे हैं, पहली बॉल ही आउट हो सकता है ब्रो। चलिए नो मैंस लैंड में गिरा वाशिंगटन सुंदर, बच गया, मिचेल स्टार्क आया है ब्रो बैटिंग करने के लिए, मिचेल स्टार्क इन द स्टार्क, अभी लगाएगा सिक्स क्योंकि इस वो भी आएगा ना बैटिंग करने, ओ भैया लग जाता तो सिक्स ही होता, लेकिन नो बॉल है ब्रो, LBW भी अपील किया था लेकिन नो बॉल था इसलिए हम्पायर्स ने दिया नहीं। चलिए नो बॉल में क्या मिलेगा, सिक्स चेतन सकरिया को मारेंगे पिक्स, अभी छोड़ने का नहीं अपने को, नहीं मारा, ये लेट खेल के ना पूरा का पूरा मिस कर दिया, देखो उधर ही फील्डर पूरा बाउंड्री लाइन पे आया है, लेकिन मैं भी शॉट उधर ही मारना चाहता हूँ, मुझे क्या रे उधर ही शॉट मार के उधर ही रन निकालूंगा मैं, बोले तो सूर्य कुमार यादव जैसा
गैप में मार के गैप में निकालने का। चलिए 2 रन मिल गया। देखो क्या होता है कि आप डबल डबल भी निकाल सकते हो ऐसा शॉट मार के, मतलब फील्डर्स बाउंड्री की तरफ है ना, उधर नीचे के ड्राइव नहीं मारने का, ड्राइव मारे तो सीधा हाथ में जाता है, मतलब शॉट मार के ना उनके आगे गिराने का गेंद, फिर दो भाग जाने का पटापट। चलिए 1 मोर 6। अरे भाई कैसा मारते हो ये शॉट, मिचेल स्टार्क भैया ओवर का लास्ट बॉल पे 6 मार के ओवर कर किया है ख़त्म। भी सुपर सब का चांस है, भी चेंज कर देता हूँ। चलिए अभी चेंज करता हूँ, किसको किसको चेंज करूँ ब्रो, रो उत्तपा का जो, हाँ मयंक अग्रवाल, नहीं रे पिछली बार आया नहीं था, बॉलर को ले लेता हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने जो बैट्समैन को किया था मयंक अग्रवाल जी को, उन्होंने तो बैटिंग करने के लिए आया नहीं। अरे 4 मिलेगा इस बार ब्रो, वाइड भी मिलेगा भाई जाए क्या। चलिए मिल गया 4 तो मिल गया ना, कुछ ना करते हुए भी, मतलब क्या बोलते हैं, ईट 5 स्टार। ओ ऐसा ऐड, वाशिंगटन सुंदर स्ट्रगल करते हुए, मिचेल स्टार्क मारते हुए ब्रो 6, नहीं कैच, ओ भैया मिस हो गया कैच, 4 रन मिल गया। अगर ये कैच हो जाता तो आउट ही हो जाते थे अपुन। LBW पक्का, LBW है ब्रो, रिव्यू लूँगा तो भी वेस्ट ही होगा। रिव्यू क्या करो आप बता दो, मैं तो लिया नहीं। अगर आपको ये कैसे आउट लगता है या आउट नहीं, नया आउट लगता आप बता दो मुझे, वाशिंगटन सुंदर का आउट नॉट आउट ये बता दो। जयदेव उनादकट आ चुका है बैटिंग करने के लिए, लॉर्ड भाई गैप ब्रो, डॉट्स खेल रही है, थोड़ा डिफेंस भी कर रही है, मतलब देखो मारने का ट्राई ही नहीं कर रही है। चलिए जसप्रीत, नहीं रे बुमराह ऑन द स्ट्राइक, क्या गेंद 6, मिचेल स्टार्क बोल रहे हैं। अरे भैया मैं भी द वर्ल्ड बेस्ट बॉलर हूँ, मैं भी कहाँ सुनने वाला हूँ तेरे को, ऐसा बोल रहा है ब्रो। लेकिन बुमराह जी का डॉट्स के साथ कम बैक, वाइड ब्रो, लेकिन उसके बाद ही वाइड मिलेगा। चलिए वाइड हो चुका है, वाइड में 1 रन मिल गया। अभी देखो 3 गेंदों में 5 रन, 6-7 रन आ चुका है ब्रो। 1 मोर, इसको भी लग जाता तो ये भी हो, मतलब ये इसको भी 4 रन मिल जाता था इसी बॉल पे भी। चलिए 1 मोर शॉट ऑफ द डे होगा, नहीं रे आउट, आउट नहीं ब्रो, नो बॉल है। अरे रन आउट का चांस है, हट देख, नो बॉल था, दूसरा क्यों भागू मैं, मेरा ही गलती है। अब क्या करूं, नो बॉल का 1 रन मिलेगा सिर्फ, क्या बोलूं यार, हट ये मेरा गलती है, मेरे गलती से आउट हो गया। चलिए कितना रन पे ऑल आउट हो गया अपन, मतलब देखो ये अगर MI मैंने ऑटो प्ले कर दिया ना, MI को चेजेबल स्कोर है 140, एक ये आराम से चेज करेंगे। रियल में हो तो ये कोई स्कोर ही नहीं है इस बार तो, क्योंकि इस बार का लो स्कोर ही 100 कितना रहे, 200 स्कोर, 200 लो स्कोर है, डिपेंडेबल स्कोर तो 220 230 ऐसा स्कोर निकालना पड़ेगा आपको। चलिए रोहित शर्मा एंड रूट जी आ चुका है, अपन मिचेल स्टार्क को बॉलिंग दिया है, पहली बॉल स्लोअर वन, क्या पहली बॉल में अपना हिटमैन जी को अपन आउट करेंगे, चले देखना पड़ेगा। हिटमैन जी पहली बॉल ब्रो ऐसा 6 मारना चाहते थे लेकिन कनेक्ट हुआ नहीं, आउट हो सकते थे भी। चलिए दूसरा बॉल डॉट्स डिपेंड्स खेलते हुए, एक शॉट मारने का ट्राई और दूसरा बॉल में डिपेंड, तीसरा बॉल में विकेट मिल जाएगा अपने को, पक्का मिलेगा। मैं रिव्यू भी लेने वाला था, आप रिव्यू ले लो आपका मर्जी, लेकिन ये विकेट तो मिलेगा अपने को। चलिए रोहित शर्मा जी ने रिव्यू लिया है, अब देखना पड़ेगा रिव्यू। हिटमैन जी आप पहली बॉल डकआउट हो गया जी, पिचिंग अंपायर्स कॉल इम्पैक्ट इन लाइन विकेट सिटिंग ब्रो, मतलब विकेट मिल गया आपने को पहली, तीसरी गेंद में पहली विकेट, वो भी 0 रन 0 डकआउट। चलिए रोहित शर्मा जी का आउट विकेट निकाल दिया रोहित शर्मा, अभी तिलक वर्मा ऑन द स्ट्राइक, तिलक वर्मा जी को भी पटापट विकेट निकाल के उनको भी घर को भेजेंगे। चलिए ब्रो नहीं रे, डॉट्स बैक टू बैक डॉट्स, देखो और अभी ये विकेट मेड इन हो सकता है, और पक्का विकेट मेड इन होगा मुझे मालूम है, क्योंकि देखो परफेक्ट है, स्लोअर बॉल है, क्या दूसरा विकेट मिलेगा 6, क्या LBW अपील। अरे मैं तो रूंगा रिव्यू लूंगा, पक्का रिव्यू लूंगा, क्योंकि चांस नहीं देने का अपने को। कौन है उधर, तिलक वर्मा जी है ब्रो,
इसलिए एक एक का विकेट मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, इसलिए विकेट रिव्यू ले लिया हूँ। ओ ब्रो ओरिजिनल अंपायर नहीं, इंपैक्ट इन लाइन है, विकेट्स मिसिंग है ब्रो। अगर विकेट्स अंपायर्स कॉल होते तो विकेट मिल जाता था, लेकिन विकेट अंपायर्स कॉल नहीं है, मिस है। चले कोई फायदा नहीं है, अपन ओवर हो चुका है ख़त्म, मिचेल स्टार्क का ओवर हो चुका है ख़त्म। अब वो जो देखो सुपर सब में लाया था ना, उनका बॉलिंग भी आ चुका है, इम्पैक्ट ब्रो इम्पैक्ट प्लेयर जैसा आया इधर सुपर सब बोले तो। ये अच्छा ही है, मतलब एक ऑप्शन मतलब बहुत बढ़िया है ब्रो। लेफ्ट आर्म स्पिनर है दोनों, नहीं ये गेंद पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड बॉल रहे ना, लेकिन क्या फ़ायदा है, पहली बॉल अरे विकेट मिल गई, अरे हट यार छोड़ दिया कैच, मतलब खुद का गलती है। टॉप स्पिन 4 रन मिल गया वो गलती के वजह से, और उसके बाद समझदारी बैटिंग। चलिए वन मोर टॉप स्पिन है, टॉप स्पिन में क्या वन मोर विकेट, ये तो बाहर जाएगा ब्रो, वाइड मत दे दो। अरे यार इधर रिव्यू रिव्यू भी रिव्यू का भी ऑप्शन नहीं है। चलिए वन मोर, ये भी वाइड है ब्रो, बैक टू बैक वाइड डालते हुए अपना इम्पैक्ट प्लेयर क्योंकि थोड़ा प्रेशर में आ चुका है, क्योंकि कैच तोड़ा है ना गलती की वजह से, कैच छोड़ा क्या, वन मोर कैच हो सकता है, अब नहीं छोड़ूंगा कैच, अब भाग लो। अब वो डायरेक्ट सीधा तो क्या बोलते हैं उसको, ड्रेसिंग रूम में जाओ रूट जी, आप रूट को आउट कर दिया ब्रो, करण शर्मा ने कैच पकड़ा है। चलिए वन मोर लास्ट बॉल है, लास्ट बॉल में विकेट मिल गया ब्रो, बैक टू बैक विकेट्स। चलिए पहली बॉल जो कैच छोड़े थे तो दो बैक टू बैक विकेट्स निकल के ना उसको कम बैक कर दिया, मतलब कोई ये नहीं किया। अभी चलिए वन मोर मिचल स्टार को ओवर दे दिया हूँ, अभी मिचल स्टार के ओवर में बहुत मतलब 2-3 विकेट निकालना पड़ेगा अपने को। ओ ब्रो आते ही विकेट, तिलक वर्मा जी का विकेट निकाल दिया ब्रो, मुझे लगा था लेफ्ट हैंड नहीं रे। और देखो उधर जो फाइनल में हुआ ना, फाइनल और क्वालिफायर वन में जो लेफ्ट हैंडर्स थे ना उनको तो मिचेल स्टार्क ने ही कॉल निकाल दिया ना, मतलब इधर भी हो सकता है लेफ्ट हैंड। अरे नो बॉल हट, देखो मैं ना इधर उधर आपको, अरे हाँ बच गया, नो बॉल में 6 लग जाता था वो, एल लग जाता था, फील्डर के हाथ में गया वो, अच्छा हुआ। मैंने आपको वो पुराने मतलब क्या बोलते हैं वो जो मैं बता रहा था ना आपको, वो 6 मारा वो या हुआ। चलिए अब कैच पकड़ लेता हूँ, पहला लेफ्ट हैंडर को लेफ्ट हैंड बॉलर आउट किया वो बता रहा था ना, उसके वजह से मैंने नो बॉल डाल दिया। देखो वन मोर नो बॉल, अभी भी वैसा ही हुआ वो, अब छोड़ के अपने को 6 नहीं ब्रो 6 तो नहीं मिलेगा, अपन रन्स भी नहीं दिए नो बॉल में, मतलब प्री हिट में 150 का डिलीवरी डाल रहे ब्रो। ये देखो प्री हिट में क्या 6 मिलेगा इस बार, क्या शॉट मारेगा बल्लेबाज ब्रो, 6 तो नहीं। अरे इस बार भी हाथ मतलब क्या ब्रो, यल लगा लिया, मतलब देखो कितना, 4 2 नो बॉल और 2 भाग लिया, मतलब 4 रन आया है सिर्फ, कोई ज़्यादा रन नहीं दिया। चलिए वन मोर शॉट, ये वाइड मत दे दो यार। अच्छा ये देखो अपना कैप्टन पैप डुप्लेसिस क्लैप्स बजाते हुए अपना बॉलर को, अच्छा बॉलिंग हो रहा है ऐसा बोल रहा है भैया, वो स्लिप में वही खड़ा है ब्रो, मतलब अपना कैप्टन ही खड़ा है ब्रो। मिस कर दिया बैक, लास्ट बॉल में मिस करके ओवर हो चुका है ख़त्म। अब किसको दूँ, उनको ही देता जाऊँ, अभी जो हैट्रिक पे है वो हैट्रिक मतलब विकेट मिल रहा है अपने को, इसलिए उनको दे दिया हूँ, भी विकेट मिल जाएगा तो मज़े आ जाएगा ब्रो। लेकिन 6 रे, ईशान किशन ने मतलब किस जन्म का बदला था यार ये, मतलब हैट्रिक बॉल पे आप 6 मारते हो तो मतलब क्या बोलूँ यार आपको हट। चलिए हैट्रिक मिस हो गया, लेकिन अगले बॉल पे मिलेगा क्या 6 आउट हो सकता है ब्रो। यस बदला लूँगा मैं, बहुत मतलब बहुत हराम का बंदा हूँ मैं, आप 6 मारोगे ना आपका विकेट भी निकालूंगा मैं। चलिए अब दर्शन नीलकंडे आ चुके हैं, नीलकंडे को अपन नकल कंडे करेंगे, भैया विकेट दे दो, 6 मारा है रे, नहीं 4 मारा, 4 रन मिल गया ब्रो, मतलब क्या है ब्रो कैसा काटते हो आप, हमें तो सिखा दो, लेकिन क्लीन बोल्ड कर दिया। चल वो 6 मारा था उसके बाद विकेट निकाला था, तू 4 मारा तेरे को भी विकेट निकाल दूंगा। जसप्रीत बुमराह ऑन द स्ट्राइक, क्या विकेट ब्रो, विकेट मिल गया यारे, इस ओवर में 3 विकेट मिल गया ब्रो,
देखो पहली बॉल 6, दूसरी बॉल विकेट, तीसरी बॉल 4, उसका अगले बॉल आउट, उसका अगले बॉल 0, उसके अगले बॉल आउट है। ये क्या बारिश आएगा क्या रे? ये देखो बादल बरस रही है, बारिश आ सकता है अपना मैच के बीच में, देखना पड़ेगा क्या होता है। इसी ओवर में नहीं आना चाहिए, आउट हो सकता है ब्रो। कैच तो पकड़ूंगा क्योंकि बारिश आएगा तो पूरा पिच ये हो जाएगा, मतलब गीला हो जाएगा, फिर बॉलिंग उतना अच्छा से नहीं गिरेगा। अपना कॉटरेल आ चुका है, इसलिए अभी जितना होता है उतना विकेट निकालने का अपने को। बारिश आने से पहली बॉल 6, आते ही 6 लगा दिया ब्रो इसने तो, मतलब गजब का शॉट मार के ना 6 मारा है। ये देखो MI का चेयर लीडर्स लेडीज चेयर गर्ल्स। ओ भैया देख, मैंने पिछली मैच में ना लेग कटर डाल के मतलब अच्छे से विकेट निकाला था, लेकिन इसने ना मतलब थोड़ा बैटिंग में अच्छा किया। और ये अरे कैप्टन जी क्या कर रहे हो आप, उधर ही तो हट यार, उधर ही तो है, लेकिन वाइड में 4 रन मिल गया। वन मोर, ये भी 4, ये भी वाइड है ब्रो, लेकिन फील्डर फील्डर बोलता हूँ, विकेट कीपर KL राहुल, क्या ब्रो व्हाट अ फिटनेस आपका, आपका फिटनेस के वजह से 1-2 रन आ रहे, बारिश भी आ गया। हट, अभी देखो स्विंग हो रही है लेकिन बोल्ड पे नहीं आ रहे बॉल। अभी चलिए अब रुकना पड़ेगा अपने को, अंपायर्स दोनों बात करते हुए, क्या गेम आगे चला पाएगा अपन, नहीं चला पाएगा ये बात करते हुए क्या कर। हाँ बंद, रुक गए, गेंद फील्डर्स पूरा डगआउट के तरफ भागते हुए। अब देखो कितना विकेट चाहिए अपने को, दो दो विकेट चाहिए शायद। देखो कवर्स आ चुके हैं पिचेस पे। 2 hours later थैंक्स फॉर पेशेंस मेथड, DSL मेथड, DLS, सॉरी DLS मेथड, DLS मेथड, मतलब देखो वो दो ओवर कम हो चुका है, इसलिए वो DSL का मेथड आ चुका है। चलिए नो बॉल, मतलब यल लगा लिया ब्रेक, खुद का यल लगा लिया मैंने। चलो चेतन सकरिया स्ट्राइक पे है, नो बॉल पहली बॉल, मतलब देखो मुझे ना अब नो बॉल वाइड नहीं डालने का, स्टम्प टू स्टम्प डाल के विकेट निकाल के फटाफट मैच खत्म करने का है। ये क्यों ऐसा चूतियापन क्यों कर रहा हूँ मुझे तो मालूम नहीं। प्री हिट में भी कोई रन नहीं मिला। अब चलिए टॉप स्पिन, क्या वन मोर, ये देख वाइड, अब भी जस्ट बोला था वाइड नो बॉल नहीं देने का, लेकिन इधर हक दे रहा हूँ, मतलब क्या यार ऐसा चूतियापन क्यों कर रहा हूँ मुझे तो मालूम नहीं है। चलिए वन मोर शॉट, नहीं ब्रो विकेट, जैसा बोला वैसा करके दिखाना, में ना दिखाने का घमंड है मुझे, विकेट मिल गया ब्रो। अब आर मेरेडिथ आ चुका है, लास्ट बॉल है पावर प्ले का, लास्ट बॉल पावर प्ले, क्या मिलेगा विकेट, इसके साथ मैच खत्म कर सकते हैं क्या अपन, चलिए देखना पड़ेगा ब्रो। नहीं रे, डिपेंड स्केल के ना स्ट्राइक खुद रखा है, मतलब भागा नहीं, क्योंकि भाग लेता तो अगले ओवर में वही फेस करना पड़ता था उसको, मिचेल स्टार्क को। चलिए कॉटरेला ऑन द स्ट्राइक, एरकर बॉल 6 ब्रो, लगा था मुझे 6 ही जाएगा, 6 ही मारा उसने भी, 109 मीटर का 6 मारा है ब्रो। मतलब वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स और बैट्समैन में कोई फर्क नहीं मारता है ब्रो, दोनों आते ही मारना ही शुरू करता है, मतलब ऑलराउंडर्स बोलते हैं उनको, सिर्फ ऑलराउंडर्स। विकेट कीपर को छोड़ के ना, विकेट कीपर बॉलिंग नहीं करता, वो विकेट कीपिंग करता है, और बैटिंग भी आ गया तो शुरू ही करता है, कोई किसको भी ले लो आप। लेकिन इधर अपन विकेट निकाल दिया, मिचेल स्टार्क ऑन द स्ट्राइक, विकेट लास्ट। चले आप अपना तो, यस साइदन, कौन नाइदम, मैन ऑफ द मैच, मतलब फुल इम्पैक्ट फुल बारी खेला है ब्रो। चले आपको बता देता हूँ मोस्ट 6, मैक्सवेल अभी भी ऊपर है पर्पल कैप में, अपना कौन हो गए, एक कौन जयदेव उनादकट भी है, मिचेल स्टार्क भी है, वो अभी इम्पैक्टफुल पारी खेल के गया, वो भी है। जॉस बटलर इधर आया नहीं है क्या अपना, अरे 55 का आया नहीं है, 3 नंबर पे आना चाहिए थे लेकिन आया नहीं है। चले आपको पॉइंट्स टेबल भी दिखा देता हूँ, देखो थोड़ा कम हो चुका है, 6 पे आ चुका है, 15 पे था, 6 पे आ चुका है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं अगले नया वीडियो में।